24 न्यूज लाइव। विकास ट्यूटोरियल के छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में लहराया परचम। विकास ट्यूटोरियल मोलनापुर नथथन पट्टी के छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में अपना नाम पूरे जिले में रोशन किया। विकास ट्यूटोरियल के अध्यापक अभिषेक दुबे ने बताया कि बीते साल में कोरोना वायरस के की वजह से बहुत दिनों तक बच्चों की पढ़ाई बाधित रही, नहीं तो बच्चों का परफॉर्मेंस कुछ और अधिक रहता। वहीं अध्यापक सौरभ तिवारी ने बताया कि शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं जो कि बच्चों को रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। बच्चों का उनका सेल्फ स्टडी उनके सफलता में बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहीं कोचिंग के छात्र उत्कर्ष यादव ने इंटर की परीक्षा में 87.4 और छात्रा अंशिका यादव ने हाई स्कूल में 90% अंक लाकर जिले में अपना और अपने कोचिंग का नाम रोशन किया है। उत्कर्ष यादव का कहना है कि इस रिजल्ट का श्रेय मैं अपने अभिभावकों व अध्यापकों को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। विकास ट्यूटोरियल में अच्छे अंक प्राप्त किए हुए बच्चों को शिक्षकों ने मिठाई खिलाई और उन्हें सम्मान दिया। बता दें कि संस्था में पढ़ने वाले 5 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने 80% व इंटर के 8 छात्र 80% से अधिक अंक लाए हैं। वहीं संस्था के अंशिका यादव ने हाई स्कूल में 540 अंक, वहीं उत्कर्ष यादव ने इंटर में 437 अंक प्राप्त किया। इस मौके पर विकास ट्यूटोरियल के डायरेक्टर व सभी शिक्षकों ने मिलकर सफल छात्र छात्राओं को बधाई भी दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के परिणाम जारी होते ही परीक्षार्थी खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है, छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बताते चले कि आजमगढ़ जिले के बुरनपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत मोलनापुर नथथन पट्टी बाजार में स्थित विकास ट्यूटोरियल कोचिंग के छात्रों व शिक्षकों में रिजल्ट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कोचिंग के अध्यापक अभिषेक दुबे ने बताया कि हमारी कोचिंग में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी के साथ साथ सीसीटीवी की निगरानी में सभी बच्चों को रखा जाता है। उन्होंने ने बताया कि कोचिंग में मुफ्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को और ज्यादा सुविधा मिल सके। TV24 न्यूज लाइव के लिए कप्तानगंज आजमगढ़ से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट।